नमस्कार। मोटा भाई की मोटर आज आ पहुंची है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के शहर सोमनाथ। और सोमनाथ का राजनीतिक इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। भगवा लहर के बावजूद ये सीट कांग्रेस के पास रही है। और ये देखिए, चुनाव का समय है तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के पोस्टर लग चुके हैं। एक तरफ बीजेपी ने यहाँ से मानसिंह परमार को उतारा है तो दूसरी तरफ यहाँ से जो सिटिंग MLA हैं विमल भाई चुडासमा, कांग्रेस ने फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। ना सिर्फ सोमनाथ सीट बल्कि गिर सोमनाथ जिले की चारों सीटें कांग्रेस के पास है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि इस बार इस कांग्रेस के गढ़ में वो फिर से दोबारा कब्जा जमाएं। तो आइए चलते हैं। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सोमनाथ, और जानते हैं यहाँ के लोगों का इस चुनाव को लेकर सियासी मिजाज। सोमनाथ के किनारे समुद्र का ये किनारा, और यहाँ पर आपको घोड़े वाले और इधर ऊंट वाले आपको मिल जाएंगे जो पर्यटकों को यहाँ पर सैर कराते हैं, और इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इधर से मैं 12 साल का तब से चला हूँ। तब से चला रहा है। अब ये बताओ, इधर गुजरात चुटनी बोलते हो ना चुनाव को, में क्या सीन है इधर? इधर सीन है कांग्रेस का। कांग्रेस का सीन है? अच्छा, कौन जीत रहेगा इधर? विमल चुडासमा। अरे भाई, यहाँ तो लोग कह रहे बीजेपी का जलवा है, पूरे गुजरात में जलवा है। पूरा गुजरात में जलवा है, पर इधर गिर सोमनाथ में नहीं है। इधर नहीं है? नहीं। अच्छा, इधर क्या है भैया, हम मानते हैं योगी जी को भी मानते हैं और मोदी जी को भी मानते हैं, लेकिन हम क्या, हमें यहाँ का स्थानिक, हमको कौन हमें सहायता देता है, कौन हमारी हेल्प करता है? जो कि सिविल पहले आता है, पैसे कोई मायने नहीं रखता है, बच्चे पैसे वो फैमिली मायने नहीं रखता है। मदद सबसे ज्यादा क्या चाहिए हमें? सड़कें अच्छी चाहिए, जो विमल भाई की तरफ से हमें मिल रही है। हम कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहे, हम बोल रहे अच्छे एक नेता, अच्छा एक युवा की तरफ से बोल रहे हैं कि इस बार जो ये सीट है ना, कांग्रेस को जाएगी। सीट यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2 बार से ज्यादा बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत नहीं पाई। पिछली बार भी इस जिले की गिर सोमनाथ की 4 सीटें कांग्रेस के पास गई थी। इस बार क्या लग रहा है, वही रिपीट होगा? वही कांग्रेस होगा, वही कांग्रेस विमल भाई होगा। अच्छा, ये बताओ, यहाँ तो चलो कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन सरकार में आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ? सरकार मोदी जी की रहेगी, मोदी जी की रहेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हो कि सरकार मोदी जी की आएगी, लेकिन आप कह रहे हो यहाँ से आप मोदी जी को हरा दोगे? हरा देंगे, क्यों? क्योंकि काम हो, यहाँ मोदी जी को हरा दोगे? नहीं, इसलिए वहाँ बोल रहे गुजरात में सरकार बना दो। इसके लिए क्या है कि हमारा युवा है ना, वो बढ़िया काम करता है, जहाँ पे बोले वहाँ पे हमारे साथ आ जाता है। जो हमारा साथ दे गया, हम उसका साथ दे गया, ऐसा थोड़ा क्या? अच्छा, साथ देना पड़ता है तो साथ देना पड़ता है ना। वो हमारा साथ देगा तो उसका भी साथ देगा। इस बार गुजरात में कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी जी जीत रहे हैं। सोमनाथ में कौन जीतेगा यार? मोदी। हाँ, हम लोग के लिए तो मोदी ही अच्छा है। जब ये बताओ कि बीजेपी ने मोदी जी ने क्या काम किया अच्छा, ये बताओ? अच्छा काम, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या अच्छा काम? अच्छा काम जो आपको बहुत बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। अच्छा, सबके लिए मोदी जी जाने चाहिए हर साल। अच्छा, हर साल मोदी जी चाहिए? हाँ, हर साल मोदी जी चाहिए। लेकिन ये तो गुजरात में CM के लिए चुनाव हो रहा है, मोदी जी तो ऑलरेडी PM है, फिर भी हम लोग तो मोदी जी चाहिए। हमारे गुजरात में मोदी जी चाहिए, हमारे तो मोदी ही चाहिए, दूसरा तो ही नहीं चाहिए। गुजरात में आइएगा तो आपको यहाँ पर कई सारे कलर्स मिलेंगे। यहाँ ये देखिए, हाजी भाई साहब, क्या नाम है? देवराज भाई। ये क्या है, सब क्या लेके जा रहे हो? ये मटका है। मटका है? हाँ। वो क्या, वो तावा है? हाँ, तावा है। वो मिट्टी का है क्या? मिट्टी का है। अच्छा, मिट्टी का तावा। अच्छा, अच्छा, ये बताओ, हाँ, ये बार चुनाव में क्या सीन है? इस बार चुनाव में तो मालूम नहीं, भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, कुछ मालूम नहीं पड़ता। रिसर्च वो लोग करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, नाम सुना है कि नहीं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का नाम तो सुना है, अभी बोल रहे हैं उसका, बोलता है। कौन बोलता आएगी? है? वो आएगी। अभी प्रचार हो रहा है वहाँ पे, प्रचार हो रहा है। हाँ, लेकिन ये सीट तो कांग्रेस की सीट है। हाँ, तो कांग्रेस की है, अभी तो जो आएगा वो तो इधर बीजेपी आएगी, जोर लगाई लेकिन पिछले बार जीत नहीं पाई ये जिले की, तो चारों सीट निकाल गई कांग्रेस लेके चलेगी, वो तो आएगी, वो आएगी। सोमनाथ मंदिर के आसपास ऐसे आपको कई सारे दुकान मिल जाएंगे। दरअसल लोगों की रोजी रोटी यहाँ के टूरिज्म पर भी काफ़ी हद तक निर्भर है। तब इस बार के चुनाव में क्या है, जरा सोमनाथ का सीन जरा बताओ। सोमनाथ में भैया बीजेपी।
बीजेपी ही चलता है। ये तो बोला जाता है कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, पर इस बार बीजेपी गया है भैया। इस बार बीजेपी क्या ऐसा हो गया जो इस बार बीजेपी? इस बार बीजेपी इसलिए है कि भैया क्योंकि सोमनाथ नदी का आप डेवलपमेंट देख रहे हो, यहाँ कितने लाखों लोगों को रोजगारी मिल रहा है, यहाँ से दीव तक, दीव से द्वारका तक ये हाईवे है, पूरा नेशनल हाईवे भी बन रहा है, पूरे पूरे एरिया में रोजगारी सोमनाथ मंदिर और इसके डेवलपमेंट यही चलती है। अच्छा, तो ये टूरिज्म को लेकर के यहाँ मैक्सिमम लोग उसी पर है मेन, क्योंकि ये सब आते हैं सोमनाथ। टूरिज्म पर भी चलता है और खेती है, यहाँ खेती पे ही ज्यादा निर्भर है। आप बताओ, यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि कोली पटेल मुस्लिम, इन लोगों का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, कोली पटेल मुस्लिम दलित, वो कॉम्बिनेशन है, अब नहीं रहेगा वो कॉम्बिनेशन, नहीं रहेगा। अच्छा, आपका नाम? कल्पेश गौस्वामी। अच्छा, ये बताओ कि ये इस बार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आएगी, ऐसा हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का गढ़ इस बार बीजेपी निकाल ले, अब बदलाव लाना जरूरी है, तो सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की है, यहाँ पर नहीं है ना, बदलाव यहाँ लाना जरूरी है सरकार, नहीं यहाँ पर, अच्छा एमएलए में, धारा सभ्य में। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं मानसिंह परमार इधर से? हाँ, मानसिंह परमार जीतेगा, 20,000 वोट से जीतेगा। कितना? 20,000 वोट से, लिख के ले लो। पिछली बार उनका वोट कहाँ स्विंग किया था? जातिवाद हो गया था, जातिवाद पे चले गए थे सब, इसलिए कम वोट मिला था। इस बार जातिवाद नहीं गया, इस बार हिंदू के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे सब। अच्छा, ये बताओ भाई साहब की यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा यहाँ पर, वो कह रहे पिछली बार जातियों में वोट बट गया था, इस बार नहीं बटेगा, इस बार नहीं होगा कुछ, इस बार मोदी ही आएगा यहाँ, इस बार मोदी आएंगे, बीजेपी यहाँ से सोमनाथ। अच्छा, चारों सीटों में से। धंधा पानी कैसा चल रहा बताओ? अच्छा, अरे बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितनी चाय की खपत हो जाती है रोज, कितने लोग पी जाते हैं चाय ये बताओ, यहाँ सुबह से शाम तक 500-600 लोग। अच्छा, गुजरात के लोगों का सुबह सुबह जो नाश्ता होता है वो फाफड़ा और ये जलेबी, इसे क्या बोलते हो? बस ये गाठिया या फाफड़ा क्या बोलते हो? गाठिया। अच्छा, ये क्या बेसन का? हाँ, बेसन। अच्छा, तेल में देखिए फ्राई हो रहा है गाठिया। अब ये बताओ, नाश्ता तो आप करा रहे हो, सरकार किसकी बना रहे हो गुजरात में? ये मालूम नहीं भैया। अरे भैया, मोदी। अच्छा, कांग्रेस? नहीं, मोदी। यहाँ के लोग जो हैं वो मावा बड़ा खाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम? पार्थ। पार्थ, क्या उम्र होगी? 20। मतलब यंग वोटर हो। अच्छा, पहले ये बताओ कि यहाँ के लोग ये क्या है, इसमें सुपारी है और क्या है? सुपारी और तंबाकू ये मिला के खाते हैं। और ये क्या है? चूना। ये भाई साहब हमें बता रहे हैं कि इस मावा को खाया कैसे जाता है। अच्छा, इसको ऐसे पकड़ के, अच्छा इसको रगड़ रहे हो? हाँ। अच्छा, मिक्स कर रहे हैं। इसमें आपने अलग से फिर चूना भी डाला? इसमें चूना भी डाला। मतलब तंबाकू है, सुपारी है, चूना, इसको तंबाकू चूना। हाँ। अच्छा, मतलब ये इतनी देर तक मेहनत करनी पड़ती है इसमें, इतने रगड़ने के बाद? हो गया, अब इसको लोग खाते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि इस बार चुनाव में कौन किसको रगड़ रहा है, ये बताओ मुझे। इस बार चुनाव में कौन किसको रगड़ रहा है, बीजेपी कांग्रेस को रगड़ रही है या कांग्रेस बीजेपी को रगड़ रही है? ये सोमनाथ सीट से कौन जीत रहा है, चुडासमा या मानसिंह परमार? कौन? विमल भाई चुडासमा। कांग्रेस। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको कांग्रेस में, ये बताओ? हमारा संभालने वाले है। अच्छा, संभालने वाले हैं, क्योंकि ये सीट तो बराबर लोग कहते हैं कांग्रेस की रही है, ये सीट सोमनाथ सीट विमल भाई आएगा। लेकिन कई लोग तो बोल रहे थे विमल भाई का कोई सीट नहीं है इस बार, तो मानसिंह परमार आएगा। विमल भाई को काम अच्छा किया है, इसलिए भाई ने भी कहा कि विमल भाई चुडासमा कांग्रेस ही यहाँ पर कांग्रेस है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं इस बार तो बीजेपी है। गुजरात में आपको क्या सीन लग रहा है? गुजरात के अंदर आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जो वोट है कांग्रेस के वोट जो है सबसे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का वोट पूरा कटके आप में चला जाएगा। अभी आपकी सीटें आएंगी कांग्रेस की, उससे कम आएंगी, और सबसे ज्यादा आएगी मोदी साहब की, और मोदी चाहिए सेंट्रल लेवल पे, तो मोदी चाहिए क्योंकि 5 साल तक। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, ये कोई भी कहे लिख के ले सकते हो। कोई भी गुजरात में आप कहीं भी जाओगे 10 आदमी को पूछे के 80% आम आदमी कांग्रेस काटेगी। लिख के दे दिया है वो तो बोलना है, लेकिन 5-10 साल काम करना पड़ता है बिना काम किए। जब तक यहाँ पे काम करके नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं मिलेगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, एंट्री होगी, और आप कह रहे हैं कांग्रेस का वोट कांग्रेस को कटेगा, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा चाहिए। हाँ, बिल्कुल आएगी। केम छो? बहुत बढ़िया मजामा।
ये बार चुनाव में किसका मजा है, कौन पार्टी का, कांग्रेस का बीजेपी? बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का रहेगा, बीजेपी का रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा, बीजेपी का है तो कांग्रेस का है ये सीट? सीट तो कांग्रेस का है पर नहीं, इस वक्त बीजेपी का रहेगा। बीजेपी आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा है, अब तक तो बीजेपी ने जितना कैंडिडेट उतारा अच्छा नहीं था, वो भी अच्छा था पर मीडियम था, इतना कोई सारा काम नहीं था तो मीडियम। चुड़ासमा भाई का जलवा है, विमल भाई का जलवा वो तो है, इसका समाज बड़ा है तो समाज बड़ा है, बड़ा है। तो इस बार क्या ऐसा हो जाएगा खेल की कांग्रेस साफ हो जाएगी, अपने गढ़ में साफ हो जाएगी? ये तो जरूर कांग्रेस का गढ़ है ये, ऐसा तो कहते हैं मोदी इतने साल से फिर भी जलवा नहीं चला मोदी का, यहाँ चल जाएगा इस बार, चल जाएगा इस बार, चल जाएगा, चल जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा चुनाव में किसका इस वक्त भाव ऊपर चढ़ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन ऊपर है? वो तो बीजेपी आएगी ऊपर, तो बीजेपी की सरकार। ये बताओ सोमनाथ सीट में कौन आएगा, विमल भाई चुड़ासमा? वही आएगा विमल भाई चुड़ासमा। तो कांग्रेस ये सीट पर कास्टेंसियम ज्यादा रहता है ना, कास्ट वाला आदमी रहता है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर कास्ट का इक्वेशन ऐसा है कि यहाँ से कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस निकल जाती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी, कहते हैं बीजेपी हिंदुत्व पर लड़ती है, हिंदुत्व का लहर है। ये तो ज्योतिर्लिंग का शहर है, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का शहर है, यहाँ पर बीजेपी का भगवा लहर क्यों काम नहीं करता यहाँ पर? ये टाइम तो करने वाला ही है, वो तो श्योर है, इस टाइम करने वाला, इस टाइम 100% भाजपा चलने वाला है। मजामा मजामा, इधर सोमनाथ से कौन जीत रहा, चुड़ासमा भाई की परमार, कौन है इधर से? चुड़ासमा भाई, कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ पर, भाजपा या कांग्रेस इधर? सर भाजपा, इधर भाजपा। મોદી જેવે તો સારું ને, એમ બધું સારું કામ કરે છે, સારું કામ કરે છે, બધા માટે સારું કરે છે। हाँ मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। दिल से बोल रहे हैं, आने ही चाहिए, बोल रहे हैं। हाँ तो मतलब भाई कई लोग हैं दिल में कुछ और बाकी कुछ और रखते हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मोदी ही आएगा क्योंकि उसने काफी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। अभी तो मोदी चल रहे हैं, अभी तो मोदी चल रहे हैं। हाँ मोदी आगे भी, भाई का नाम नहीं ले रहा, आगे भी मोदी आएंगे, आगे भी मोदी आएंगे। अरे मोदी साहब तो पीएम है, ये तो चुनाव सीएम के लिए हो रहा है। आज तो भूपेंद्र पटेल ही आएंगे, सिखा दिया इसलिए भूपेंद्र पटेल अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा हर बार लोग यहाँ के बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, भाजपा आएगी, आ जाती नहीं, है नहीं, अभी तो ऐसा है कि वो भाजपा ही आएगा। अच्छा भाजपा आएगा, वो फैक्टर चला था पाटीदार वाला, इसलिए पाटीदार वाला फैक्टर चला था, इसलिए उसका फायदा कांग्रेस को हो गया। अच्छा तो इस बार क्या हो जाएगा, कास्ट समीकरण जो यहाँ बदल जाएगा, ये बताओ। यहाँ मोदी आता है, भगवा लहराई सारे सीट में। मोदी जी तो 27 साल से उनकी पार्टी यहाँ पर है, लेकिन ये गिर सोमनाथ जिले में ये सीट में तो हमेशा कांग्रेस जीतती रही है। कांग्रेस नहीं नहीं, अभी कांग्रेस जीती थी, अभी जीती थी, अब नहीं जीतेगी। अच्छा क्या है, बीजेपी का जलवा कांग्रेस का जलवा? लग तो बीजेपी रहा है, लग तो बीजेपी रही है, मतलब श्योर शॉट नहीं है? नहीं शॉट, गुजरात में तो शौर ही है बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि बहुत हो गया 27 साल, लोग त्रस्त आ गए इस बार सरकार बदल। नहीं मुझे तो नहीं लगता कि बहुत हो गया, अभी तो पीएम आने चाहिए, और भी और साल तक आने चाहिए, और साल तक आने चाहिए। लेकिन ये चुनाव तो विधानसभा का है, ये लोकसभा का थोड़ी जो पीएम आएंगे, ये तो सीएम आएगा ना। वो सही है पर सीएम आएगा तभी तो पीएम आएगा, सीएम आएंगे तभी तो पीएम आएगा। तो गुजराती लोग बड़े दूर के सोचते हैं, गुजराती लोग बड़ी दूर के सोचते हैं, सोचना पड़ता है। सीएम पहले आएंगे तब तो पीएम आएंगे, मतलब 2022 से 24 का कैलकुलेशन चल रहा है। ये गुजरात, ये बताओ कि यहाँ क्या, यहाँ की सूरत क्या होने वाली है गुजरात? अरे बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी, बीजेपी कमर ही खिलेगा, कमर ही खिलेगा। सोमनाथ में तो पंजा चलता है। नहीं नहीं वो भी इधर भी बीजेपी चलेगी। यहाँ का यंग वोटर क्या सोच रहा है? यहाँ के सोच रहे हैं कि उनको एजुकेशन में भी सपोर्ट मिले और अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, तो मोदी जी दे रही है क्या पार्टी? सरकार दे रही है, दे रही है। बीजेपी जब आई, जब से आई है तब से अपॉर्चुनिटी तब से बढ़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि यहाँ पर एजुकेशन बेकार है, हेल्थ सिस्टम खत्म है, यहाँ पर लोगों का धंधा रोजगार खत्म है? अब ओपोजिशन है तो कुछ तो बोलेंगे। अच्छा ओपोजिशन है तो कुछ तो गिराने के लिए बोलेंगे, मोदी ही आएंगे। अच्छा मोदी ही आएंगे, क्यों आएंगे? अच्छा काम किया है इसलिए आएंगे। हाँ जी हाँ, चार काम मुझे बता दीजिए। राम मंदिर का निर्माण, अब की बार वाराणसी, काशी में कॉरिडोर बनाया, अच्छा 370 भी हटाए, ये रहा कि 370 धारा हटाए कश्मीर से। अच्छा मतलब राम मंदिर, 370, और एक भाई ने क्या कहा, उज्जैन, उज्जैन में भी बहुत अच्छा फ्रेम है, कॉरिडोर काशी में वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है। अच्छा केदारनाथ भी तो अच्छा बना है, केदारनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ सुंदर बन गया, सुंदर बहुत अच्छा, मतलब डेवलपमेंट अच्छा हुआ है उधर। क्या सोच रहा है यहाँ का यूथ? यूथ बीजेपी, बीजेपी
क्योंकि इस बार सब कुछ देखा हुआ है ना हमने, क्या सब चेंज हुआ है, सब कुछ इतना चेंज हुआ है पहले से ज्यादा। जो पहले मंदिर के अलावा बताना, चूंकि आप पढ़े लिखे हो, मुझे मंदिर के अलावा बताना कि और दो तीन डेवलपमेंट जो यूथ के लिए, जो उनके यूथ के लिए, यूथ के लिए भी है, किसान के लिए भी है, पानी की सब कुछ है, उसके अलावा बहुत सब कुछ हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ हुआ है उसमें, सब कुछ चेंज हुआ है। सबसे ज्यादा सेफ है तो गुजराती है ना, गुजरात का ज्यादा केजरीवाल तो नहीं हो जाएगा, नहीं केजरीवाल तो नहीं कमा बढ़ा देगा सबको, कुछ मत कमा, गुजरात बड़ा स्वाभिमानी है, उनको फ्री में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए मेहनत से ज्यादा कुछ ले सकते हैं। जब से पीएम मोदी आए तब से हर एक पीएम देश का तो विकास करता ही है, लेकिन पीएम मोदी ऐसे व्यक्तित्व है जो हमारे सनातन धर्म का भी विकास कर रहे हैं, जो हमारा रिलीजन है वो रिवाइव हो रहा है अब। अच्छा, एक बार बार ये आरोप लगता है कि बीजेपी माहौल बहुत बनाती है, हिंदू मुसलमान बहुत करती है और उसी के आधार पर चुनाव जीत जाती है। बीजेपी ने हिंदू को बोलने का सामर्थ्य दिया है। अच्छा। इससे पहले हिंदू बोलता कहाँ था, अब हिंदू बोलता है, उसमें हिम्मत आई है। अच्छा। सपोर्ट मिली है उसे, तो उसमें क्या गलत है? मोदी जी तो शिव का भक्त है तो फिर क्यों नहीं आएगा? शिव के भक्त तो आएगा ही आएगा, मतलब महादेव का, सोमनाथ का मिलेगा। ये लाटनी मोदी 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 क्यों मोदी चाहता है बताओ? क्योंकि हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए नर्मदा का, नर्मदा का, ठीक है। अच्छा, मोदी जी पानी देंगे? देंगे देंगे हाँ जी। अभी कितना पानी मिलता है खेत को ये बताओ? अभी हमारे वावी इलाके में आ गया, थरात में अभी चाहिए, जो काम चालू है अभी। अच्छा, ठीक है हाँ, और मोदी दे सकता है हाँ, और हम मोदी को ही जिताएंगे, मोदी को ही जिताएंगे। अच्छा, आपका हाँ। आपका इलाका जो है वो रीजन, वो सारे लोग यही सोचते हैं? यही सोचते हैं, यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। कांग्रेस को कैसे देखते हो आप? कांग्रेस सही है लेकिन अभी कोई काम नहीं है, बीजेपी कोई काम नहीं है, बीजेपी अगले पाँच साल, अगले पाँच साल फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, बीजेपी ही जीतेगी गुजरात के अंदर। अच्छा, बीजेपी जीतेगी जी, और 125 सीटों के अंदर आनी चाहिए बीजेपी, आनी चाहिए जी। आप तो 25 सीट घटा दिए, बीजेपी तो 150 प्लस, मतलब 150, लेकिन 125 तो एकदम 100% आएगी ही, 100% आएगी। बीजेपी ही चाहिए हमको, बीजेपी चाहिए हाँ। क्या सोचा इस बार गुजरात? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाजप, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल, कांग्रेस नहीं आएगी ये वक्त, बीजेपी ओनली, बीजेपी 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 नरेंद्र भाई मोदी। 150 सीट, 150 आवशे जोजो, तुम्हे 150 सीट आवशे, एटले आवशे। यही काम करते हो यहाँ की आज आए हो? नहीं, हम यही तिलक लगाते हैं और यहाँ सोमनाथ के, सोमनाथ में कमाई हो जाती है, विकास का और जा रही है मंदिर और रोजी रोजगार चलती है यहाँ से। बताओ कि पहले कमाई ज्यादा होती थी क्या, बढ़ गई? नहीं, पहले से ज्यादा हो गई है, पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा हो गई है। अब जरा कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात कर लिया जाए जी। बताइए 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 बताइए, हाँ जी सर, बहुत जोर से दौड़ती हुई आई है, कुछ कहना चाहती है? कौन है यहाँ पर, बीजेपी या कांग्रेस? कौन है? बीजेपी। तो ये था सौराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ का सियासी मिजाज। यहाँ पर पंजे की पकड़ बहुत अरसे से मजबूत रही है, देखना है कि इस बार क्या यहाँ से कमल खिलता है या फिर पंजा अपनी कब्जे को यहां पर बरकरार रखता है। इसके लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब मोटा भाई की मोटर आगे बढ़ेगी एक नए विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।